अगला जो नक्षत्र है हमारा चित्रा नक्षत्र है। चित्रा को आप सब लोग बताइए, चित्रा हमारा कौन से नंबर का नक्षत्र होता है? 14 नंबर का नक्षत्र होता है चित्रा। और चित्रा के अंदर आप देखिए क्या क्या हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। यूनिवर्सल टेबल में दिमाग लगाएंगे जाकर, आपको पहले वहां से थोड़ा क्लियर होगा। यूनिवर्सल टेबल क्या कहती है सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए जी चित्रा, ये देखिए मैडम सामने सब लोग, आपने अब तक चंद्रमा का नक्षत्र हस्त को आपने पढ़ा, और हस्त जो है मेरा यहां से आपको 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक चित्रा आपका रहने वाला है। कितना बचे? 7 डिग्री, 6 डिग्री 40 मिनट बचे। जब हम यहां से और यहां तक की बात करेंगे तो 6 डिग्री 40 मिनट ये बचेगा। और इसके अंदर भी अब आप देखिए, एक उसके अंदर एक राशि एक चरण के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट होती है, तो यहां 6:40 के अंदर 2 आ जाएंगी। तो यहां बड़ा क्लियर है, ये चित्रा नक्षत्र 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कन्या के बाद कौन सी राशि आती है? तुला। अब देखिए तुला में आपको देखने लगेगा दो, आधा यहां बट गया आधा वहां बट गया। तो आधे नक्षत्र पर किसका रोल रहने वाला है? बुध मंगल का। और आधे पर किसका रोल रहने वाला है? शुक्र। ऐसे बड़े डेंजरफुल आदमी होते हैं, इनसे बचकर रहना होगा कि पता नहीं कब साला पलटी मार जाए, क्योंकि कभी तो रिजल्ट दे देगा जाकर तुला के, और कभी दे देगा बुध के, कभी तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बात करेगा अगले ही टेन चलाकी इतनी बात करेगा कि पता नहीं यार ये वही आदमी जिससे हम अभी बात कर रहे थे, ये बदल गया एकदम से। इसलिए मुझे टेबल दिखानी पड़ रही है, एक मिनट में चेंज हो जाना, क्यों उसके उसकी गलती नहीं है ना, उसकी एनर्जी दो हिस्सों में टुकड़ों में है, उसकी एनर्जी दो हिस्सों में बांट दी गई। अब आपके सामने बांट कर दिखा भी रहे हैं हम आपको, वो इसलिए है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब बेचारे को मिला है वो नक्षत्र तो जिएगा क्या करे। अब चित्रा के अंदर पढ़िए थोड़ा सा, चित्रा नक्षत्र के दो चरण कन्या दो चरण तुला में आते हैं। चित्रा का लॉर्ड कौन है? मंगल। पहली बहुत खतरनाक है, उसका स्वामी पहले ही मंगल है। अब मंगल को इन सबके साथ जोड़ जोड़ कर रिजल्ट तैयार करना है। इसके रिजल्ट के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा इसका एक जो क्या नाम है, चित्रा क्या चीज है, एक चमकीला रत्न टाइप का एक एनर्जी फोकस है। आप देखिए इसके अंदर एक एनर्जी दिख रही होगी आपको, एक इनके चित्र के अंदर एक कांच टाइप की एनर्जी आपको फैलती नजर आ रही होगी। तो यह लिखा होगा यह नक्षत्र प्रतीकात्मक चिन्ह एक चमकीले रत्न की तरह, सफेद चमकीला वर्ण लिख दिया। ठीक है, इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। ठीक है ना, एक बार आप चले जाओ इनके पास फिर ना आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको अपने आप खींच लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें लिखे हैं जो सबसे इंपोर्टेंट है, जो है वो सबसे बड़ी बात जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, लिख लीजिए उस पॉइंट को कि जीवन में काम आएगा। ये व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और जीवन में परिस्थितियों को चाहे कुछ भी रही हो अपना अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो अब क्यों कर रहे हैं आप सुनो। देखो एक तरफ मंगल, चित्रा का लॉर्ड तो मंगल आपको समझ में आएगा, पहले ही बहुत एनर्जेटिक है। ठीक है, अब पहले चरण के रिजल्टों में तो बुध का रिजल्ट मिल जाता है इसे, कि बुद्धि भी इसको मिल गई। एक पहलवान को, यदि एक पहलवान जो होता है खाड़े में लड़ता है उसमें क्या कमी होती है पता है? उसमें थोड़ी बुद्धि कम, पहलवान कहा ना पहलवानों में बुद्धि नहीं होती है। ये पहले ही पहलवान नक्षत्र है और तुमने इसको बुद्धि दे दी, तो भाई उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता है। बल उस पर पहले ही था, बुद्धि और मिल गई, अब बताओ रह कहाँ गया, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए बड़ा डेंजरफुल परिस्थितियों में भी क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़ा हाय हो लड़ो, कोर्ट में शराबी, कोर्ट में कोई शोर मच रहा हो, थाने तहसील सब इसके लिए, सब ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का दरबार है। कोई बड़ी बात नहीं, बैठो जी सब लोग दोबारा शांत करते हैं, ये पावरफुल कंडीशन में हो जाता है। अच्छा, अब इनकी कमजोरी भी आई है, ऐसा नहीं है तो अच्छे हैं। कमजोरी क्या है? शुक्र आकर कमजोरी कर गया, बस अगर ये नहीं होता
तो इनको कोई हरा ही नहीं सकता था। अब ये बेचारे फंस गए, पहलवान को आकर्षित करने के लिए शुक्र ने जाल फेंक दिया, यहां फंसा यार, यहां इसकी बुद्धिमानी बेचारे की थोड़ी सी कमजोरी बदल गई। तो शुक्र मंगल का रिजल्ट जब भी होता है तो ये बेचारे ना लगो के कच्चे हो जाते हैं, यहां बेचारे परेशान हो गए, वरना इनको कोई नहीं हरा सकता था। ठीक, यहां इनको कमजोरी दे दी शुक्र ने। तो हर प्लेन ना बड़े डिप्लोमेटिक ढंग से काम कर रहा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, इसमें कोई कमी नहीं है, साहस ऊर्जा ये सब मैंने बताई दी आपको, भरा पड़ा है इसके अंदर। और जब नेगेटिव होगा तो चर्चा नेचुरल सी बात है। हाँ, अच्छी प्रोफेशन के क्षेत्र में आएगी, ये है बढ़िया बात। ये मैंने बोला ना, कानून से भरा मिलेगा आपको, पुलिस और कानून खाते में ही मिलेंगे। चित्र नक्षत्र के ज्यादा सबसे ज्यादा फौजी, जेलदार, वकील, और मतलब जहां आग से सब, जहां रोज लठ बजाने वाले काम हो ना, वहां यही में खड़े मिलेंगे आपको। थाने, तहसील, जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, यही मिलने वाला है। कानून, ठीक है, चिकित्सा प्रबंधन, सिविल, सब प्रबंधन के जितने भी बीए कानून है, ये सब स्नातक बनातक, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, 62 इसी के अंदर आएंगे। ठीक, और बीमारियों के अंदर क्या होगा, हाँ बीमारियों में इसको थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा कहां रहने वाली है, जो हमारा गुदा टाइप का है, पथरी है, मूत्राशय प्रणाली है, ये सारी चीजें इसके नीचे वाले लोअर एब्डोमेन में दिक्कत करने वाली है। पेट का निचला हिस्सा आएगा, यही बोलना चाह रहा हूं, यस एग्जैक्टली, पेट का निचला हिस्सा। ठीक है, हमारी नीचे की सेंसेशन प्रणालियां जितनी भी हैं वो सब इसी के बॉडी पार्ट्स में आती हैं।